एक बात कहे चीची। बोलो। वो क्या हुआ? बोल। वो कल नाश्ते में आलू पूड़ी खाए क्या? तुम पागल हो क्या खुशी? अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया है ना हमने, अभी फिर खाने की बात कर रही हूँ, और वो भी ऐसे जैसे किसी देश की समस्या हो। अब क्या करें चीची, इस व्रत ने हमारी भूख को इतनी बढ़ा दी है कि हम पूरी बारात का खाना खा सकते हैं। पता है चीची, आज जब हम थाल लेने मंदिर वापस गए थे ना, तो हमें इतनी चक्कर आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि हम गिर जाएंगे। अच्छा हुआ कि आकाश सर थाल लेकर आ गए। एक बात बताए खुशी, वो तुम्हारे आकाश सर है ना, वो हमें इससे पहले भी मिल चुके हैं अपने घर के पास वाले बाजार में। क्या? तो तुमने बताया क्यों नहीं? हमें क्या पता था कि वो तुम्हारे आकाश सर है, हमें तो लगा था कि वो कोई। वो तो बहुत अच्छे हैं जीजी। याद है उस रात जब हमें बारिश की वजह से देर हुई थी, आकाश सर ने ही हमें घर छोड़ा था, और वो दुपट्टा जो हमने जन्मदिन पे दिया था वो भी आकाश सर ने ही दिया। अच्छा, अब क्या पता जीजी, किसी इंसान को देखकर ये तो नहीं बता सकते कि उनकी सोच कैसी है। अब वो भी तो रायजादा परिवार से, क्या पता उनके अंदर भी कोई राक्षस छुपा हो। कुछ भी बोलती हो ना खुशी, अंजलि जी भी तो उसी परिवार से है। याद है हमने उस दिन फोन पे उनसे कैसे बात की थी, और उन्होंने हमसे बहुत प्यार से बात की। सो तो है, तो ठीक है। सारे गवाह बयान और जीजी के विशेष टिप्पणी के बाद खुशी कुमारी गुप्ता इस नतीजे पर पहुंची है कि रायजादा घर में अंजलि जी, नानी जी और आकाश सर तीनों बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मामी जी, हेलो हाय बाय बाय पगली। अच्छा खुशी, एक बात बता ना, वो दूसरी लड़की कौन थी सफेद साड़ी में? वो लावण्या जी, उन्होंने ही तो हमारा नाम चमकीली रखा था, और देखा आज खुद कैसे चमकीली साड़ी पहनकर आई थी। पर उसने अर्णव सिंह रायजादा के लिए व्रत रखा था ना, हमने देखा था उसे प्रसाद देते हुए, बहुत गुस्से में लग रहा था वो। उसकी तो शक्ल ही ऐसी है जीजी, हर वक्त गुस्से में ही रहता है। रहने दो ना जीजी, बहुत नींद आ रही है, चलो सो जाते। ठीक है। दो कदम चलना सीखो, फिर मुंह खोलो। क्या हुआ खुशी? गड़बड़ हो गई जीजी, तुमने उसका नाम ले लिया, अब सारी रात हमें नींद नहीं आई, बार बार उसी का ख्याल आता रहेगा। हे देवी मिया, हमारी रक्षा करना। सो जा। कल रात को श्याम बबुआ क्या बोले रहे? क्या बोलेंगे बुआ जी, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। अरे तो दोबारा लगा लेती नंद किशोर। क्या बात है बुआ जी, आपको श्याम जी की बड़ी याद आ रही है। ये देखो, जुबान है कि कतनी, बिना सोचे समझे बोला थे नंद किशोर। अब जाओ काम करो जाके। लगता है श्याम जी पे काम का बोझ कुछ ज्यादा ही है, आजकल बहुत व्यस्त लगते हैं। नंद किशोर, ईका, तू हर काम थोक के भाव काहे करत है? अरे बुढ़िया का इतना मार लगा है, अब तू है कि तले जा रही है। कैसी सनक है नंद किशोर? तुम हमको पहले ये बताओ, तुमको कितने प्रकार की सनक है? कभी तुमको जली मिल की सनक लग जाता है, कभी पूरी बनाए की सनक लग जाता है। ओहो बुआ जी, एक मिनट, कल हमने व्रत रखा था ना, इसलिए आज हम तो लिया। अगले दिन डबल खाओगी का है? अरे परमेश्वरी, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं नवरात्रम का व्रत करना पड़ गया तो पूरे गाँव का राशन चट कर जाइयो। सच
सच में नवरात्रा कब है? नंद किशोर कौन सी ना काज की दुश्मन अनाज की। अरे नंद किशोर ये कहावत कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कहे से कि ससुरी को अनाज के अलावा जिंदगी से कुछ चाहिए भी नहीं। सब उथल पुथल कर दिया है। क्या करें? ये पहले पूजा की थाली हटाओ यहाँ से और ये सिंदूर की डिबिया बाहर रख के आओ जाए के लो। अरे, अरे, अरे। सिंदूर से होली खेलने का ज्यादा शौक है का? तभी उड़तक नहीं आ रही हो। क्या करे तुम्हारा हम खुशी। हे देवी मैया, क्यों हमें फिर से उस अर्नब सिंह रायजादा की याद दिला दी? क्या हुआ जीजी, तुमने बुलाया? हम सोच रहे थे कि दोपहर के लिए दाल बनाएंगे। ये देखो हमारे घर का राशन लगभग खत्म हो गया है। अब कैसे होगा? अब हमें हाथ रोक के चलना होगा। खुशी तुम्हारी नौकरी भी तो नहीं है और हमने नाश्ते में इतनी सारी पूड़ियां बना दी। हाय रे नंद किशोर, क्या हुआ? चेहरा पे हवा हवाई काहे उड़ी हुई है? है? और तू कटोरी नंबर वन, ये पूरी का पहाड़ बनाए तो ली हो, अब खाना जिंदगी भर बैठ के। बुआ जी, हम सोच रहे थे कि हमने इतनी सारी पूड़ियां बना दी तो दोपहर में भी खा सकते हैं ना। अभी के लिए हमारा हो गया। ये देखो सनका देवी का ढिंडोरा तो ऐसे पीट रही थी जैसे पूरी बरात का खाना खाई है और दो पूड़ी खाए के ही फुस हो गई है। हाय रे नंद किशोर, क्या करे, सब बर्बाद कर दिया। बुआ जी, कुछ चाहिए था आपको? कुछ नहीं चाहिए था हमको, हम तो पगला गए हैं बस। हमें नहीं लगता है श्याम जी बुआ जी की पेंशन को लेके कुछ खास काम कर पा रहे। हो सकता है जीजी, पर एक बात तो पक्की है, श्याम जी कोशिश जरूर कर रहे हैं। एक काम करें चीची, बुआ जी से बात करके उनके चिकन की साड़ी का काम फिर से शुरू करते हैं। हाँ कर सकते हैं, पर उससे पहले तुम एक और काम करो। वो रायजादा के घर पे हमारा पुराना वाला ऑर्डर पड़ा हुआ है ना, जाकर वो ले आओ। कम से कम काम तो शुरू होगा ना। चीची तुम घुमा फिरा कर हर बात उस राक्षस तक क्यों ले जाती हो? तुम्हें हम खुश अच्छे नहीं लगते। हमें उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और तुम ना बात बदल लो, वरना फिर से जलेबी बनाएंगे। अब बता रहे हो जलेबियों का नाम भी लिया तो, वो भी तब जब घर में राशन ना हो। बुआ जी, जीजी हम ऑफिस जा रहे हैं। क्या ऑफिस? जीजी हमें ऑफिस जाना ही होगा, अब कोई चारा नहीं है। तुम पागल हो गई हो क्या खुशी? तुम कहीं नहीं जाओगी, वरना हम अम्मा बाबूजी को फोन करके सब कुछ बता देंगे। ओहो जीजी, हम ऑफिस अपनी देवी मैया की मूर्ति लेने जा रहे हैं। जब से हमारी मूर्ति वहां रह गई है ना, तब से हमें नींद ही नहीं आ रही है। अब हमें उस मूर्ति को वापस लाना ही होगा। हाय रे नंद किशोर, पहले मस्खरी, फिर चटोरी, फिर घुमक्कड़ और फिर भुलक्कड़। अरे परमेश्वरी भानुमती, तुम्हारे पिटारे में और कितने गुण है जो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। खुशी पर वहाँ पर वो भी होगा ना, अर्नब सिंह रायजादा? नहीं बाबा, आज रविवार है, वहाँ सिर्फ चौकीदार होगा। हम यू जाएंगे और यू अपना सामान वापस लेकर आएंगे। वो वहाँ नहीं होगा। अब ठीक है, अब
अच्छा ठीक है, जल्दी आना। जाए नंद किशोर।